हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। नए वीडियो नए लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। इट इज मी आदेश शर्मा फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश चैनल जहानाबाद। आज के वीडियो लेक्चर में हमें पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब हम इस टेंस की पहचान की बात करते हैं, इसके हिंदी वाक्यों को आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तथा समय भी दिया होता है। ये पॉइंट नोट करने का, समय भी दिया होता है, क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस भी आता है, और हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन देख लेते हैं, अनुवाद का नियम देख लेते हैं। इस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इसमें मतलब सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर का डिवाइडेशन कोई नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही वर्ब है, हैड बीन और प्लस आईएनजी फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म। और सबसे मेन पॉइंट जो इस टेंस का है वो है निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ द टाइम सिंस लगाते हैं, और अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ द टाइम फॉर लगाते हैं। पहले मैं आपको निश्चित और अनिश्चित के बारे में थोड़ा बता दूं। जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, 2 बजे से सिंस 2 o'clock, मतलब बजे से कितने बजे से हो सिंस आएगा। और मान लिया सन का नाम दिया है 2012 से सिंस 2012, 2020 से सिंस 2020, ये तो सिंस है। अब फोर की बात करते हैं, एनिशी समय पीरियड ऑफ द टाइम, 4 साल से फोर ईयर, 4 घंटे से फोर आवर्स, कितने भी घंटे हों कितने भी साल हों, 2 दिन से 4 to days, दिन से मतलब फोर, इस तरह से एनिशी समय के लिए फोर लगाते हैं। अब सेंटर देख लेते हैं अफर्मेटिव वाक्यों में। सबसे पहले अफर्मेटिव वाक्य की बात करते हैं। वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस पॉइंट ऑफ द टाइम या पीरियड ऑफ द टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे इसका टेंस का सबसे बढ़िया फार्मूला ये है कि इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाते हैं, इसमें सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर का डिवाइडेशन नहीं है। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। हम 4 दिन से बाजार जा रहे थे, 4 दिन से पीरियड ऑफ द टाइम। पहले सेंटेंस में पॉइंट ऑफ द टाइम था, दूसरे सेंटेंस में पीरियड ऑफ द टाइम है। पीरियड ऑफ द टाइम के लिए फोर का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस, एनिश्चित के लिए फोर लगाते हैं। तो वी हैड बीन गोइंग टू मार्केट फोर डेज। निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं। इस बात को देखना है, सभी सब्जेक्ट के साथ केवल एक ही वर्ब है, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। वे 2012 से यहां नहीं आ रहे थे। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, हमें हैड के बाद बीन से पहले नोट लगाना है। दे हैड नॉट बीन कमिंग हियर 2012 से, पॉइंट ऑफ द टाइम सिंस 2012, नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड तथा बीन से पहले, हैड के बाद बीन से पहले नोट लगाना है। अब इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं,
फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके शुरू में क्या आता है, और सेकंड टाइप सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके बीच में क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे आता है। पहले फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। क्या वह 4 साल से स्कूल नहीं जा रहा था, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेड है, तो क्या वाले सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग से शुरू होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फोर इयर्स। इस सूत्र रूप में किस तरह करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस पॉइंट ऑफ द टाइम या पीरियड ऑफ द टाइम प्लस एक्सेट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड टाइम की बात करते हैं। सेकंड टाइम में क्वेश्चनों को फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन नंबर दिया गया है क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, उसे सबसे शुरू में लेकर आते हैं। जैसे सेंटेंस है वे 2 दिन से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड दे बीन डूइंग फॉर 2 days, व्हाट हैड दे बीन डूइंग फॉर 2 days। तो गाइस आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में या इंग्लिश ग्रामर में या स्पोकन इंग्लिश में कोई भी बात समझनी है, कोई पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें और नई नई जानकारी प्राप्त करें। दैट्स ऑल।